तो ये जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम स्पीड, अगर मान लीजिए हमको डिस्टेंस गिवेन है, टाइम गिवेन है, हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर हमको मान लीजिए स्पीड गिवेन है और टाइम गिवेन है, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो भी हम इसी फॉर्मूले को ही इम्प्लाई करेंगे। कैसे? हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले को जब हम टाइम को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, स्पीड के पास लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली टाइम का फॉर्मूला भी यहाँ से बन सकता है, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ स्पीड। पहले ही मैंने इसको डिस्कस कर लिया, बट थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड यूनिट की हम बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट तो हमें पता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब चीज़ें हमने स्पीड के बारे में यूनिट में सुना है, बट ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस बार टाइम मिनट्स में लिया हो, डिस्टेंस मीटर में हो, तो मिनट्स पर मीटर पर मिनट्स भी हो सकती है यूनिट। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने 5 मिनट की बात करी सिर्फ, और उसमें मान लीजिए 10 या 20 मीटर की डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल कर ली, 20 मीटर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो स्पीड हो गई 20/5 यानी कि 2 मीटर पर मिनट। तो उस समय जो यूनिट है हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड की यूनिट भी बनेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। दोनों के शब्द के आगे अगर हम देखेंगे तो एक मीटर जुड़ा हुआ है ना। मीटर का मतलब होता है कि मेजरमेंट करना। स्पीडोमीटर यानी कि स्पीड, और मीटर यानी ऐसा डिवाइस जो मेजर कर रहा है किसको, स्पीड को, यानी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। ओडोमीटर की अगर मैं बात करूं, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ओडोमीटर के हमने दोनों ही चीज़ अपने व्हीकल में देखी है, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, आप देखते हैं कि एक निडल होती है, या आजकल डिजिटल भी हो गया है, तो वो नीडल स्पीड रिप्रेजेंट करती है, और एक नंबर्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो वो मेजर करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। क्लियर?